आईटीबीपी के जवानों की साइकिल यात्रा पहुंची कोलारस। कमांडेंट ने बच्चों को दिए ऊंचाई छूने के टिप्स। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के द्वारा निकाली जा रही साइकिल रैली 22 सितंबर 2021 को भोपाल से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2021 को दिल्ली के राजघाट पहुंचेगी। ये यात्रा भोपाल से गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, आगरा, अलीगढ़, ग्रेटर नोएडा होते हुए करीब 957 किलोमीटर का सफर तय करते हुए राजघाट दिल्ली पहुंचेगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत निकाली जा रही ये यात्रा शनिवार को साइकिल सवार जवान कोलारस हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे, जहां पर एनसीसी के छात्रों और नगर के नागरिकों की ओर से जवानों का माला पहनाकर स्वागत किया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के कमांडेंट डॉक्टर VLN ठाकुर, डिप्टी कमांडेंट डॉक्टर भावजीत सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट श्री विजेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर धीरज कुमार ने बताया कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को केंद्र सरकार की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल के जवान साइकिल पर सवार होकर विभिन्न गांव, कस्बों और शहरों से होते हुए 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पहुंचेंगे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को देश को आज़ाद करवाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथाओं के बारे में स्मरण कराना है। जोनान कमांडेंट डॉक्टर VLN ठाकुर के द्वारा बच्चों को संबोधित करते हुए उन्हें अपने सपनों को साकार करने के टिप्स बताएं।